हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसके बहुत सारे फायदे हैं सर्दियों में खासकर, और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसको बनाने के लिए देखिए, हाँ मैंने लिया है 1 गिलास मक्की का आटा और हाफ कटोरी से भी हाफ मैंने लिए हैं यहाँ सूजी। अब ये मैंने पतीला रख लिया है, इसमें हम पानी गरम करेंगे। इसमें मैं 3 गिलास पानी डालूंगी। जितनी हमारी मक्की का आटा है, जैसे 1 गिलास हमारे मक्की का आटा है तो उसमें 3 गिलास पानी जाएगा। 1 गिलास इसमें हम चीनी डाल देंगे। देखिए, जैसे हमारा मक्की का आटा 1 गिलास है तो 1 गिलास इसमें हम चीनी डाल देंगे और 3 गिलास इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी को हम उबलने देंगे जब तक चीनी पानी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए और पानी में एक उबालन ना आ जाए, जब तक हम पानी को उबालेंगे। अब ये देखिए, पानी हमारा उबल गया है। अब इसमें हम 4-5 इलायची डाल देंगे। ये मैंने इलायची तोड़कर इसमें डाल दी है पानी में, और पानी भी उबल गया है। अब पानी को हम ढक कर रख देंगे और गैस को बंद कर देंगे। पर एक कढ़ाई रख लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। देखिए, एक पलटा इसमें मैंने घी डाल दिया है, देसी घी, और इसको हल्का सा हम गर्म होने देंगे। घी देखिए हमारा पिघलने लगा है, हल्का सा हिला देंगे हम, हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1 गिलास जो हमने मक्की का आटा लिया था वो इसमें हम डाल देंगे। देखिए डाल दिया है, अब अच्छे से हिलाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, और गैस की फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, मीडियम रखेंगे। और जो सूजी ली थी हमने वो भी इसमें हम डाल देंगे। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे घी में। आटा हमारा भूनने लगा है हल्का हल्का सा। अभी इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे और लगातार इसको हमें बारी थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है ताकि नीचे से न जले। और मक्की के आटे खाने से देखिए हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। मक्की के आटे खाने से हमारी स्किन भी अच्छी होती है और डायबिटीज की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और मक्की का आटा हमारी आँखों के लिए भी अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। इसलिए सर्दी में तो खासकर हमें मक्की का आटा खाना चाहिए, इसकी तासीर वैसे गर्म होती है। हमें इसको सर्दी में ही ज़्यादा खाना चाहिए मक्की के आटे को। इसकी आप रोटियां बना लीजिए या इसका हलवा बना लीजिए या और कुछ मक्की की चीज़ें बनाकर आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हो। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये देखिए हमारी मक्की का आटा अब भूनने लगा है, हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे अभी। अब ये देखिए आटा हमारा भून गया है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, देखिए हल्का हल्का ही ब्राउन हो गया है। अब इसमें जो हमने गर्म पानी करके रखा हुआ था वो इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए भून गया है अब अच्छे से, इसमें करीबन 10 मिनट के अंदर ये भून जाता है। जो हमने चीनी का पानी बना के रखा था वो इसमें हम डाल देंगे। देखिए ये इसमें मैंने पानी को डाल दिया है। अब अच्छे से इसको हमें हिलाना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स न बने, क्योंकि खासकर इसमें गांठें बन जाती है। तो एक बार इसको अब अच्छे से हिलाना पानी डालने के बाद, ताकि इसमें कोई गांठें ना पड़े। ये देखिए जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता तो आपको इसको हिलाते रहना है 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए अच्छे से इसकी गांठें भी फूट गई है। अब ये देखिए हमारा मक्की का हलवा बनकर रेडी हो गया। ये देखिए हलवे ने देखिए कढ़ाई भी छोड़ दी है, और ये देखिए इसमें घी भी ऊपर आ गया है। इसका मतलब हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये देखिए जैसे इसमें मैंने थोड़े से बादाम डाले हैं और थोड़े से इसमें मैं काजू भी डाल दूंगी। जो भी आपके पास है वह बादाम, काजू,
पिस्ता आप इसमें डाल लीजिए। इसमें मैंने बादाम और काजू डाल दिए हैं और थोड़ी सी इसमें मैं किशमिश भी डाल दूंगी। ये देखिए थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश भी डाल दी है। अब देखिए हमारा मक्के का हलवा बनकर एकदम रेडी हो गया है। अब इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा मक्के का हलवा बनकर अब बिल्कुल रेडी हो गया है। यह बहुत ही टेस्टी भी बनता है और देखिए इसमें हमें कुछ ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है और जल्दी ही ये बन भी जाता है। सर्दियों में तो आप खासकर ये मक्के का हलवा बनाकर खाइए, ये बहुत ही लाभदायक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो एक बार आप ज़रूर मक्के का हलवा बनाकर देखिए, इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मक्के के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।